अ वेरी वेलकम यू ऑल टू द चैनल कैंपस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 अडेप्टेशन इन एनिमल्स को। बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो आई होप कि आप इस चैप्टर को एंजॉय करोगे और समझोगे, जिसमें से ऑलरेडी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आप पहले से जानते हो, बट एक हमें ऊपर से इसको रिविजन देना है जो कि हम फटाफट से कर लेंगे अभी। तो सबसे पहले इस क्लास में हम ये समझेंगे कि अडेप्टेशन क्या होता है, अडेप्टेशन का मतलब क्या है और अडेप्टेशन की जरूरत क्या है, और हैबिटेट्स क्या चीज होती है, और एनिमल्स कौन कौन से हैबिटेट्स में रहते हैं और किस किस तरह के अडेप्टेशंस वो लेते हैं, अगर वो एक एक्वेटिक हैबिटेट में है या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है, या फिर टेरेस्ट्रियल में भी हम अलग अलग तरह के हैबिटेट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वहां पे रहने वाले एनिमल्स के अंदर किस किस तरह के फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, ये सब कुछ हमें आज इस क्लास में देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें अडेप्टेशन से हम क्या समझते हैं, तो देखो अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, पे बहुत सारे ज्योग्राफिकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, यानी कि अर्थ पे ही अगर हम देखें तो कहीं पर समुद्र है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे बहुत ठंडा एनवायरनमेंट है, कहीं पे बहुत गर्मी है, कहीं पे कैसा मौसम, कहीं पे कैसा मौसम, मतलब बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा अगर हम पूरी की पूरी अर्थ को कंपेयर करें तो ज्योग्राफिकली। तो ऐसे में और आप ये भी देखते होंगे हर उन जगहों पे कोई ना कोई ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रह रहे हैं, जिंदा हैं और बहुत अच्छे से अपने ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं और अपनी रेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या इन सभी जगहों पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग जगह पे, क्या वो सबके सब सेम ही होते हैं या फिर अलग अलग जगह के हिसाब से, एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से वो उनके फीचर्स कुछ डेवलप हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ अडेप्टेशन आ जाता है, उनके कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर्स में, उनके बॉडी में, उनके खान पान में, उन चीजों में फर्क आ जाता है। तो ये बेसिकली आज हमें इस क्लास में डिस्कस करना है। तो इसका आंसर हाँ है, जो अलग अलग जगहों पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं, अलग अलग तरह के उनके फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म सेम नहीं होते हैं एक दूसरे से, उनके अंदर फर्क होता है। मेजरली होता है कि वो सेम हो भी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ माइनर अगर आप चीज़ों को देखोगे, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को देखोगे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल की बात करें फिश को, फिश जो कि एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या फिश जो है वो किसी ह्यूमन से मिलता जुलता है? बिल्कुल नहीं। उसके जो एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स है ना, वो काफी डिफरेंट होते हैं और इस तरह से बने होते हैं कि वो एक्वेटिक एनवायरमेंट के अंदर इजिली सर्वाइव कर सके। ठीक है, इसी हिसाब से उनका खान पान भी होता है, इसी तरह से वो रेस्पायर भी करते हैं, मतलब सारे के सारा उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इसी तरह की बनावट लिए हुए है कि वो उस एक्वेटिक एनवायरमेंट में पानी के अंदर जिंदा रह सके। वहीं पे अगर हम अपनी बात करें तो हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, हम जमीन पे जिंदा रह सकते हैं, अगर हमें पानी में छोड़ दिया जाए तो कुछ देर तो सही है, लेकिन ज्यादा देर तक हम जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी की बनावट उस तरह से नहीं है जो कि हमें एक्वेटिक एनवायरमेंट में रहने के लिए मदद करती हो। तो अडेप्टेशन का बेसिक मतलब क्या है? जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाती है जो कि उनको हेल्प करती है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में या उस हैबिटेट में रहने को, उसी को हम कहते हैं अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन हमारी फिजिकल प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हैबिटेट्स होते हैं और कौन कौन से वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स हो सकते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह जहां पे कि कोई एक एनिमल रहता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल टेरेस्ट्रियल एक हैबिटेट है, डेजर्ट एक हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल एरियल एक हैबिटेट है, एक्वेटिक एक हैबिटेट है और पोलर रीजन एक हैबिटेट है। तो ये अलग अलग जगह है जहां पर कि, और इनके अलावा भी बहुत सारी जगह होती है जहां पे कि एनिमल्स रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे कुछ एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप भी चाहे तो कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल यानी कि जैसा सिंपल जो लैंड होती है जहाँ पे जिस तरह से एनिमल्स रहते हैं उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पे डॉग्स हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स जो भी आप अपने आसपास में देख रहे हैं वो सब नॉर्मल टेरेस्ट्रियल में आ जाएंगे। उसके अलावा डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में कौन कौन रह सकते हैं? तो हर कोई रेगिस्तान में जिंदा नहीं रह सकता। अगर फिश को आप रेगिस्तान में छोड़ दोगे तो वो मर जाएगी, लेकिन जो कैमल होता है, मॉनिटर लिजार्ड्स होती हैं, वो बहुत ईजिली, कुछ स्नेक्स होते हैं, डेजर्ट स्नेक्स होते हैं, वो बड़े आराम से डेजर्ट्स में रह लेते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं आपके एरियल, मतलब जो कि हवा में रह सकते हो,
कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो हवा में भी रह सकते हैं, यानी फ्लाई भी कर सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, जिसमें कि स्पैरो एक एग्जाम्पल हो जाएगा, पीजन यानी कि कबूतर एक एग्जाम्पल हो जाएगा, जो भी आप अपने आसपास में बर्ड्स देखते हैं वो सब टेरिस्ट्रियल एरियल एनिमल्स हैं। उसके अलावा एक्वेटिक एनिमल्स में ऑफकोर्स आपके फिशेज आ जाएंगे, फिर स्नेक्स आ जाएंगे और कई सारे जितने भी आप यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स देखते हो वो सब यहाँ पे लिख सकते हो। और पोलर रीजन में जो कि बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो जैसे पोलर बियर हो गया, पैंगुइन हो गए, रेनडियर्स हो गए, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ओके, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इस एक्टिविटी को, इस टेबल को जरूर फिल कर लेना। नाउ कमिंग ऑन टू अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन द एक्वेटिक हैबिटेट, क्या क्या अडेप्टेशन हो जाता है उन एनिमल्स के अंदर जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में यानी कि पानी के अंदर रहते हैं, उनके अंदर किस तरह के फीचर्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल अगर हम बात करें, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, उनको रिस्पायर करने के लिए, तो उनको रिस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये ऑक्सीजन उनको पानी से मिलती है। हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन हवा से मिलती है, इनको पानी से मिलती है। पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसी को वो ये लेते हैं। तो इनके ऑर्गन्स कुछ इस तरह से डेवलप हुए होने चाहिए कि वो पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को ट्रैप कर सके और इनकी बॉडी को दे सके, ठीक है। और इसी तरह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको भी खाना खाने की जरूरत होती है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे में वो एक्वेटिक प्लांट्स को या फिर जो उनसे छोटे एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं उनको वो खाते हैं। तो कौन कौन से इनमें एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे एक्वेटिक एनिमल्स में, पायला आ गया, स्नेल्स आ गए, फिशेज आ गए, फ्रॉग्स आ गए, स्नेक्स आ गए। उसके अलावा बहुत फिशेज में भी बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं, वेल्स हो गई, डॉल्फिन्स हो गए, शार्क हो गए, तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एक्वेटिक एनिमल्स के। इनके अंदर क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि इन बाकियों से डिफरेंट होती है, जैसे कि रेस्पायर करने के लिए इनके पास में गिल्स होते हैं, ये गिल्स इनको हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में। इसी तरह से इनकी बॉडी पर स्केल्स और शेल प्रेजेंट होती है, जिससे कि इनकी बॉडी जल्दी से वेट नहीं होती, गीली नहीं होती, क्योंकि अगर गीली हो जाएगी तो गल जाएगी और गल जाएगी तो वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, जैसा कि हम लोगों के साथ होता है। हमारा शरीर, हमारी स्किन जो है पानी में ज्यादा देर तक रहे तो वो गलनी स्टार्ट हो जाती है, तो हम ज्यादा देर तक पानी में जिंदा नहीं रह सकते। पर क्योंकि इनको तो हमेशा यहीं पर ही रहना है, तो इनकी बॉडी में स्केल्स और शेल डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कितना भी लंबे टाइम तक पानी में रहें ये कभी भी गीले नहीं पड़ते, इनकी बॉडी कभी वेट नहीं होती और गलती नहीं है। इसी तरह से इनकी बॉडी में एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उनको उनकी डेंसिटी की, उनकी बॉडी डेंसिटी को कम करते हैं, और बॉडी डेंसिटी कम होने की वजह से इजीली स्विम कर पाते हैं क्योंकि बॉडी इनकी हल्की हो जाती है। इसी के अलावा इनकी जो आंखें होती है ना, वहाँ पे निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हालांकि निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट, हमारी आंखों में भी प्रेजेंट होती है, पर वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई काम नहीं है। ये निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन भी इनको हेल्प करती है ताकि इनकी आंखें जो है वो पानी की वजह से खराब ना हो जाए। इसी के अलावा उनके पास में फिन्स होते हैं, ये फिन्स वैसे ही होते हैं जैसे कि विंग्स होते हैं बर्ड्स के पास में, पर ये फिन्स इनको मूवमेंट में और स्विम करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक पिक्चर है आपके सामने फिश की, आप देख सकते हो आइस के अंदर निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन है, गिल्स रेस्पिरेशन के लिए, स्केल ताकि बॉडी वेट ना हो इसलिए, फिन्स जो है ताकि वो स्विम कर सकें, और ये भी दो तरह की फिन्स हैं। ओके, तो ये तो हो गई बात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अडेप्टेशन फीचर्स आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर। अब मैंने आपको बताया कि जो टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट है ना, वो भी बहुत सारे अलग अलग तरह का होता है, जिसमें कि आपके ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हो सकते हैं, प्लेन एरियाज भी हो सकते हैं, पठार भी हो सकते हैं, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे काफी ठंड है। तो बहुत सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं, बेस्ड ऑन दैट वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके फिजिकल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स में भी बदलाव आ जाता है। जैसे कि अलग अलग हैबिटेट्स की अगर हम बात कर लें कि कौन कौन से हैबिटेट्स टेरेस्ट्रियल कैटेगरी में आते हैं, तो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है जहाँ पे कि नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस नहीं है। हिली हैबिटेट है जहाँ पे कि टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा, जो थोड़ी ऊंचाई पर है और यहाँ पे ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी रहेगी। फिर ऐसे एनिमल्स जो कि हवा में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। फिर ऐसे एनिमल्स या ऐसे हैबिटेट्स जो कि पूरी तरह से ड्राई होते हैं, एरिड होते हैं, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। और पोलर हैबिटेट जहाँ पे कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होता है, काफी ठंडा रहता है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स के अंदर किस तरह के अडेप्टेशन फीचर्स आ जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जो आपके ह्यूमंस हैं वो बेसिकली इसी कैटेगरी में आ जाते हैं।
यहाँ पे नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस रहती है, ना तो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो जैसे हॉर्स है, डियर है, काउस हैं, ये सब आपके नॉर्मल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के कुछ एनिमल्स हो जाएंगे। इनके पास में लेग्स होते हैं जो कि इनको मूव करने में हेल्प करते हैं ताकि ये जमीन पर चल सकें। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास में लेग्स तो नहीं होते पर उनकी बॉडी मस्कुलर होती है जो कि उनको हेल्प करती है रेंगने में। इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा स्नेक। तो इसी तरह से बहुत सारे आपको टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स मिल जाएंगे। उनके अंदर फीचर्स इस हिसाब से डेवलप हो जाते हैं कि वो लैंड पर इजीली चल सकें, मूव कर सकें, सरवाइव कर सकें। उसके अलावा जो मंकी है, बंदर है, उसके अंदर आपने लॉन्ग टेल, लंबी पूंछ देखी होगी। ये पूंछ उनको हेल्प करती है कि वो ट्रीज पे इजीली क्लाइंब कर सकें, अपना बैलेंस बना के रख सकें और ब्रांचेस को इजीली ग्रिप कर सकें। इस तरह की पूंछ हमारे पास में नहीं होती है, इसलिए हम उनके जितना ना तो फास्ट चल पाते हैं, ना ही हम पेड़ों पे इतना जल्दी चढ़ पाते हैं और ना ही उनके जितनी ग्रिप हमारे हाथों में है कि हम ब्रांचेस को पकड़ सकें। एलिफेंट्स की बात करें तो एलिफेंट्स की बॉडी जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा हैवी होती है और उनकी गर्दन बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से वो इजीली मूव नहीं कर पाते, बेंड नहीं कर पाते। तो ऐसे में अगर उनको खाना खाना होगा तो वो किस तरह से खाएंगे? तो उनको नेचर ने लंबी एक सूंड दी होती है, उस सूंड की हेल्प से वो ब्रांचेस को, लीव्स को तोड़ सकते हैं और अपना खाना खा सकते हैं, और इसी सूंड की मदद से वो अपने एनिमीज से भी अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम जिराफ की बात करें तो जिराफ के लिए हम जानते हैं कि उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, क्योंकि उसको लंबे लंबे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनसे लीव्स को, उनकी ब्रांचेस को खाने की जरूरत होती है। तो उसी को अडाप्ट करने के लिए जिराफ की गर्दन लंबी हो जाती है। कार्निवोरस एनिमल्स की अगर हम बात करें, जिसमें कि आपके लायंस, कैट, लेपर्ड, यानी कि वो सभी एनिमल्स आ जाएंगे जो कि मांसाहारी होते हैं, तो आप देखोगे कि उनके टीथ और हमारे टीथ में, हमारे दांत में और उनके दांत में फर्क होता है। हमारे दांत नुकीले नहीं होते जबकि उनके सभी दांत केनाइन्स होते हैं और बहुत नुकीले होते हैं, जो कि उनको कोई भी जो अपना प्रे है, जो उनका शिकार है, उसको चीरने में मदद करते हैं। इसी तरह से अगर हम डियर, हेयर, नील गाय, हॉर्स इनकी बात करें तो ये जो है मांसाहारी नहीं होते हैं, ये सिंपली घास को खाते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, तो इनको इस तरह के केनाइन टीथ की जरूरत नहीं होती। तो इनके जो ज्यादा डेवलप टीथ होते हैं वो इंसिजर्स होते हैं जो कि इन फूड को च्यू करने में, चबाने में मदद करते हैं। तो जैसे भी ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की जरूरत है उसी हिसाब से उनके बॉडी के फीचर्स डेवलप हो जाते हैं उनके हैबिटेट को ध्यान में रखते हुए। अब डेजर्ट जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन हो सकती है वो हम देखते हैं। तो जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, जो कि डेजर्ट एरियाज होते हैं, वो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत सूखा होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस बहुत ज़्यादा हाई है और पानी की बहुत कमी है। तो यहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं ना, कई सारे तो ऐसे होते हैं जो या तो कम पानी में भी इजीली सरवाइव कर पाते हैं, इनकी स्किन बहुत मोटी होती है, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ये जनरली बिल के अंदर, जो छोटे छोटे जो बिल होते हैं उनके अंदर ही रहना पसंद करते हैं ताकि ये ज्यादा हीट के कांटेक्ट में नहीं आए। इनमें कुछ एग्जांपल्स लिजर्ड, स्नेक्स और वाइल्ड रैट्स के हो जाएंगे जो कि बरोस के अंदर रहते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे रहने वाले एनिमल्स की स्किन का कलर बहुत लाइट ब्राउन होता है, जो कि रेत से मिलता जुलता होता है, ताकि ये अपने आप को कोई भी जो शिकारी जानवर है या कुछ भी शिकार है उससे अपने आप को बचा सकें, ताकि इनका कलर जो है वो डेजर्ट के कलर से मैच हो जाए। इनकी स्किन जो होती है वो मोटी होती है, स्मूथ होती है और ड्राई होती है, जिससे कि पानी का लॉस इनकी बॉडी से कम हो और इनके अंदर पानी का कंटेंट जितनी मात्रा में चाहिए उतना बना रहे। अधिकतर ये जो एनिमल्स होते हैं नॉक्टर्नल होते हैं, यानी कि रात के टाइम ही बाहर निकलते हैं। रात के टाइम बाहर निकलने से फायदा ये है कि रात को टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है, तो ऐसे में ये जिंदा रह पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हीट को ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारा डेजर्ट एनिमल का है वो कैमल है, जिसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। ये बहुत आसानी से सैंड पे, रेत पे चल फिर सकता है। कारण ये है कि इसके अगर आप पैरों को देखोगे कभी ध्यान से, तो इसके पैर जो होते हैं बहुत चौड़े होते हैं और पैड्स होते हैं, मतलब कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो कि इनको हेल्प करता है इजीली मूव करने में। उसके अलावा ये एक बार अगर पानी पी लेते हैं तो उसके बाद में बहुत लंबे टाइम तक इस पानी को अपनी बॉडी में रिस्टोर करके रख सकते हैं, फिर जब इनको पानी की जरूरत होती है तो वो इसी पानी को काम में ले सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो यूरिन होती है वो बहुत थिक होती है और येलो कलर की होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत कमी है जैसा कि हमने बात की। इसी तरह से इनके जो स्टूल्स हैं, इनकी फीसेस है, वो भी काफी हार्ड होती हैं और डार्क कलर
कलर की होती है। इनकी स्किन काफी मोटी होती है ताकि पानी जो है वो ज्यादा या जो पसीना है वो ज्यादा ना निकले, क्योंकि पसीना ज्यादा नहीं निकलेगा तो फिर ऐसे में बॉडी के अंदर जो पानी है वो लंबे टाइम तक बना रहेगा। कैमल्स के अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि फॉक्स है, रेबिट है, वुल्फ है, मॉनिटर लिजार्ड है, तो ये भी आपके कुछ इसी हैबिटेट के दूसरे एनिमल्स हो जाएंगे। उसके अलावा अडेप्टेशंस इन पोलर और कोल्ड हैबिटेट, कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि पोलर या फिर कोल्ड हैबिटेट में इजीली जी पाते हैं। तो इसमें पहली बात तो पोलर रीजन्स वो होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है, एक्सट्रीमली लो होता है, यहाँ पे भी वेदर कंडीशन काफ़ी ड्राई होती हैं, ज़्यादा मतलब हवा में ह्यूमिडिटी नहीं होती, ये पोलर रीजन्स हैं। और इनको कोल्ड डेजर्ट भी हम कहते हैं, ये आपके हाई माउंटेन्स या प्लेट्यूज़ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे लो वेजिटेशन होता है, खाने पीने के लिए ज़्यादा कुछ वेजिटेशन पेड़ पौधे नहीं होते क्योंकि इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में पौधे उग नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पे जानवर भी कम ही नंबर में मिलेंगे, तो ये कंपैरेटिवली काफी सेफ एरियाज होते हैं जानवरों के रहने के हिसाब से। यहाँ के एनिमल्स को अगर आप देखोगे ना, तो इनकी स्किन जो है वो बहुत मोटी होती है, प्लस इनकी स्किन के ऊपर बहुत सारा मोटा थिक फर होता है। ये जो फर है ये इनको हेल्प करता है, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं। तो इनके ऑलरेडी इनके बाल इनके ऊपर इतने बाल होते हैं, इतने बाल होते हैं कि इनकी बॉडी उसकी वजह से गर्म रहती है। उसके अलावा इनकी जो स्किन है उसके नीचे भी एक थिक लेयर ऑफ फैट होता है, ये फैट भी जो इनके अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको बाहर के ठंडे टेम्परेचर से बचाने में हेल्प करता है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स के। पैंगविन जो है वो भी यहाँ का एक एग्जाम्पल हो जाएगा जो पोलर रीजन में रहता है और अपने यहीं पर ही ब्रीडिंग सीजन में अपने बच्चों को जन्म देता है। उसके अलावा रेनडियर्स कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, पोलर बियर कुछ आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। देन हम बात कर लेते हैं उन एनिमल्स की जो कि हवा में भी रहते हैं और साथ साथ में टेरेस्ट्रियल भी हैं, यानी कि जमीन पे भी रह सकते हैं। तो ये हवा में और जमीन पे दोनों जगह रहते हैं, इनके अंदर ऑब्वियसली हमारे बर्ड्स सभी आ जाएंगे। तो इनके अगर हम फोर लिम्स की बात करें, जो कि हमने लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था इवोल्यूशन के अंदर, कि जो बर्ड्स होते हैं उनके फोर लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स के अंदर, और ये विंग्स इनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में, पर साथ ही साथ ये जमीन पे भी चल पाते हैं। उसके अलावा इनकी बॉडी बहुत हल्की होती है और बोट शेप होती है, जैसे एरोप्लेन का शेप होता है ना, उसी तरह का शेप इनकी बॉडी का भी होता है। तो ये इनको हेल्प करता है ताकि ये एयर को इजीली काट सकें और इजीली फ्लाई कर सकें। उसके अलावा जो बर्ड्स हैं इनके अपने खुद के दांत नहीं होते हैं, लेकिन इनकी बीक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जो कि इनको हेल्प करती है इंसेक्ट्स को या फिर ग्रेन्स को इजीली खाने में, क्योंकि जिनके पास दांत तो नहीं है तो ये खाएंगे कैसे, तो फिर इसमें इनकी बीक इनकी चोंच इनकी हेल्प करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी जो बोन्स होती हैं, इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो हॉलो होती हैं, यानी कि ऊपर ऊपर से तो ये बोन है लेकिन अंदर से ये खाली खोखली होती हैं। तो खोखले होने का पर्पज़ ये होता है ताकि इनकी जो हड्डियाँ हैं उनका वजन बहुत ज्यादा ना हो, वजन अगर ज्यादा होगा तो ये आराम से उड़ नहीं पाएंगी। तो इनकी बॉडी के वजन को कम करने के लिए इनकी बोन्स हॉलो कैविटी लिए हुए होती हैं, जो कि इजीली इनको हवा में फ्लाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इनके पास में फेदर्स होते हैं, फेदर्स भी इनको मदद, ये पूरी फेदर्स जो है इनके बॉडी के ऊपर कवर्ड रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये सुंदर भी लगते हैं और इनको अगेन फ्लाई करने में हेल्प मिलती है। उसके अलावा बर्ड्स का जो हार्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, 3-chambered हार्ट होता है, आपको याद होगा, और ये काफ़ी पावरफुल होता है और यही इनकी ब्लड की, न्यूट्रिशन की, ऑक्सीजन की सभी नीड्स को जब ये उड़ रही होती हैं उस टाइम पे मदद करता है। तो आई होप कि, और ये देखो ये पीजन है, पिकॉक है और गोडावन है। गोडावन के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्टेट एनिमल है राजस्थान का वो गोडावन ही है, और जो पिकॉक है वो एक नेशनल बर्ड है, सॉरी मैंने एनिमल कहा, एनिमल नहीं, हमारा स्टेट बर्ड गोडावन है और नेशनल बर्ड पिकॉक है, तो इसके बारे में आप जानते होंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हैबिटेट एंड अडैप्टेशन, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग एनिमल्स लेते हैं अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से। तो काफ़ी सिंपल सा ये टॉपिक था, इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप पहले से ही जानते भी होंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि हमें एक बेटर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आ सके कि जो भी कुछ हमने पढ़ा है, समझा है, वो सब हम अच्छे से याद कर चुके हैं। सो एक्वेटिक एनिमल्स हैव अडैप्टेशन, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर क्या अडैप्टेशन होती है, इनके पास गिल्स होते हैं, इनके पास स्केल्स होती हैं और ये अंडे भी देते हैं, तो ये सभी फीचर्स जो हैं वो एक एक्वेटिक एनिमल के अंदर होते हैं।
उसके अलावा स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया गोडावन, जिसको कि इंग्लिश में हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं और हिंदी में गोडावन कहते हैं। विच हैबिटेट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैट अंडर स्किन एंड लेयर ऑफ फर? ऐसा कौन सा हैबिटेट है जहाँ पे एनिमल्स की जो स्किन है उसके नीचे थिक लेयर ऑफ फैट होता है और फर की भी अच्छी खासी लेयर होती है? तो सोचो इसकी जरूरत किनको है? उनको है जिनको बहुत ठंडे एनवायरमेंट में रहना है, यानी कि पोलर रीजन्स में। तो इसका एक एग्जाम्पल ऐसे एनिमल का पोलर बियर हो जाएगा आपका। उसके अलावा द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच अनेबल देम टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन, इसी को ही तो हम अडेप्टेशन कहते हैं, जिसके ऊपर हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर समझा है। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर एंड इज कवर्ड बाय, बोन्स कैसी होती हैं बर्ड्स की? अभी मैंने आपको बताया था हॉलो होती है, ताकि इनका जो वजन है वो ज्यादा ना हो, और ज्यादा वजन नहीं होगा तो इनको फ्लाइट लेने में, फ्लाई करने में आसानी होगी। एंड उनकी जो बॉडी है वो ओवरऑल फेदर से कवर्ड होती है, ठीक है, पंखों से कवर्ड होती है। उसके अलावा एक्वेटिक एनिमल्स हैव, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर क्या होती है? मैंने आपको बताया था निक्टिटेटिंग, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एक्वेटिक एनिमल्स की आईज में। ये उनके आईज को पानी के, क्योंकि उनको पूरे टाइम पानी में रहना है, तो पानी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ये थोड़ी सी निक्टिटेटिंग होगा, कहीं पे ing भी लिखा होता है और कहीं पे सिर्फ in लिखा होता है, तो वो आप देख लेना, निक्टिटेटिन, थोड़ी सी स्पेलिंग में कंफ्यूजन है। ओके, सो दिस इज योर निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन जो कि प्रेजेंट होती है एक्वेटिक एनिमल्स में। यही निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन ह्यूमन बींग्स में भी होती है, बट एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। और वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? रूडिमेंट्री ऑर्गन्स। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में अच्छे से समझाया था, जब हमने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ा था। इसके अलावा कुछ यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप बेस्ड क्वेश्चन हैं, कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो एक बार आप चाहो तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इनको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो, एक नजर मार सकते हो। बट यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन गिवन है ऑलरेडी उनके काफी अच्छे से आंसर्स हम लोग देख चुके हैं इस पूरी क्लास में डिटेल में। सो आई एम वेरी श्योर कि ये चैप्टर काफी सिंपल था और आप बहुत इजीली अच्छे से इसको समझ गए होंगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई विल मीट यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।